कितनी आई? 13/2 कितनी आई है? धन चार कर दो, आया ना, करो धन चार, बोलो। अरे क्लियर है? अब दर कितनी हो गई? पक्का? अब दर कितनी हो गई है? पक्का? अरे क्लियर है? अब कह रहे हैं 800/21/2 21/2 वो बड्डे करो 100/100 ये। हाँ जो हमने खूब पढ़ाया है आपको। अरे क्लियर है? उस समय कितना है कि नहीं है? 3 वर्षों में कितने रुपए हो जाएंगे? यहां ब्याज नहीं पूछा है, मिश्र धन पूछा है। क्या पूछा है? तो अब तो ये देखो 200 का एक बार ये सीधे 4 बार नहीं आएगा, तो अब 4×3 = 84 हो गए। 84×3 करो कितने? 200। अब 252 रुपया ब्याज हो गया। मूलधन कितना है? यानी 1052 हो गया, यानी फाइनल हो जाएंगे 1052। नहीं बनेगा? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है देखे? साधारण ब्याज की किस दर से? 8 वर्ष की अवधि में। दर मालूम नहीं है? दर मालूम? पक्का? दर मालूम? कितने रुपया है? सुनाई नहीं दिया? 4200 है। क्या कह रहे हैं? 6216 हो जाएंगे। 6216 हो जाएंगे इन द सेंस ब्याज सहित। पक्का? लिए कितने? कितना लिए? हो कितने गए? 6216। ब्याज कितना लग गया बोलो? अरे घटा के देख लो रे, 2016 ब्याज लग गया। ब्याज की जगह क्या लिखोगे? लिखो ब्याज की जगह 2016 लिखो। बराबर मूलधन कितना? जोरदार आवाज। ओके। दर कितनी? मालूम नहीं है। दर मालूम? कितनी? 8। कितनी? ओके। समय कितना बोलो? क्लियर है? बड्डे कितना निकालो? कितने? नहीं बनेगा? पक्का? नहीं बनेगा? चलो अगला सवाल। साधारण ब्याज की किस दर से? दर पूछी गई है 1600 रुपया। कितने रुपया? 5.5 वर्ष में। हमें वर्ष से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घबराए वो जिनसे बटे लिखते ना बनता हो। हमें बटे में कोई दिक्कत? अगर डबल बटे ऊपर हो तो सड़क के नीचे आ जाता है। नहीं सिखाया? नहीं सिखाया है? देखे आपने लिए कितने? 2832 बन जाएंगे। 2800। ब्याज कितना लग गया? सुनाई नहीं दिया? सुनाई नहीं दिया? 1200 लग गया। ब्याज की जगह लिखिए 1232। हाँ या ना? ब्याज बराबर मूलधन कितना है? सब लोग पहले सामने देखेंगे। ओके। दर हमें मालूम? गोरे समय 5×10 = 11/2 क्योंकि समय काय में है? वर्ष में। काय में है? इसलिए हम इसे नहीं बदलेंगे। और आर के बड्डे क्या आता है? सो ये 2 0 से 2 0। ये देखो 2×1 = 8 11/8 लेकिन 88 कभी मत लिखा करो बेटा, याद रखना। जब तक सवाल खत्म ना हो जाए अंक जितना छोटा होगा आपको सुविधा देगा। ओके। आपको वैल्यू का की चाहिए? 8 कहां ले आओ? 11 कहां ले आओ? क्योंकि गुणा की संख्या काय में जाती है? नहीं बनेगा? निकालो। पक्का?
14% नहीं बनेगा। अगला सवाल आता है, एक वर्ष में 5,557 हो जाते हैं। सवाल सारा हो गया। लिए कितने हो, कितने गए, ब्याज कितना लग गया, क्यों पक्को दर निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, निकालो दर, 14%। 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर से 7,000 कितने हो जाएंगे। अब ले कितने रे, 7,000, हाँ या ना, ले कितने रे, ले रे 7,000 गुणे 14, समय कितना 5 बटे 100, यहां से क्या आएगा ब्याज, क्या आएगा ब्याज, कितना आया 4900 आया है, और लिए कितने हैं, लिए हैं 11,900। क्लियर है, अरे क्लियर है, नहीं बनेगा। कितने लोग कहते हैं सर ब्याज, अब तो उसमें कुछ नहीं है, अब कभी दर गोल करेंगे, कभी समय गोल करेंगे, कभी कहेंगे इतने का ब्याज और इतने ब्याज का अंतर इतना है। लेकिन अगर ये प्रैक्टिस है तो अगला टाइप बनेगा आपसे पक्को। अगला सवाल देखें, गोपाल ने कृष्णा से ₹8,000 लिए, साधारण ब्याज पर लिए हैं, समय कितना है 1440 रुपया अधिक दिए, अरे अधिक माने, अधिक माने, बस खत्म, नहीं आ रही बात में। भैया कोई उधार लेता है, हमने 2,000 लिए तो मैं 500 रुपये ज्यादा दिए, तो एक्चुअली 500 क्या दिया ब्याज, क्या दिया, हमने 500 रुपये तो ब्याज दिया है, यहां पर ब्याज कितना दिया, हमें सुनाई नहीं दे रहा, ब्याज की जगह क्या लिखोगे, ब्याज की जगह बराबर मूलधन कितना, बोलो यार 8,000 गुणे दर, दर हमें मालूम, गुणे समय कितना, कितने बटे क्या, पक्का, अरे क्लियर है। अगला सवाल देखो, 2500 का 8% ब्याज पर निवेश किया, कितने वर्षों बाद, अब तुमने लगाया कितना, लगाया कितना, चाहिए कितना है, अरे क्लियर है, यानी आपको 800 रुपए ब्याज चाहिए, आपको 800 रुपए, क्लियर है, ब्याज कितना चाहिए, ब्याज की जगह कितना लिखोगे, लिखो ब्याज की जगह 800, क्या लिख रहे हो, हाँ 800 बराबर मूलधन की जगह, मूलधन की जगह जे लिखे, ब्याज की जगह 800 बराबर मूलधन की जगह, अरे क्लियर है, दर कितनी है, दर कितनी है, गुरे दर 8% अलग किया बटे 100 पक्का, अरे क्लियर है, उस समय हमें मालूम, समय को मान लो टी, टी यानी टाइम, आप मान कुछ भी सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ नहीं, अब वैल्यू तय की चाहिए, बोलो यार, तो ये 2 0 से 2 0 कट गए, 25 बड़ा में कहां आएंगे, 8 कहां आएंगे, कितना आएगा, नहीं आएगा, आएगा। अगला, एक्स वर्षों का एक्स वार्षिक दर पर साधारण ब्याज 100 रुपए है। देखो वह धनराशि, वह धनराशि हमें नहीं पता, सब लोग सामने, ब्याज कितना है एक्स, ब्याज की जगह एक्स, ओके,
मूलधन हमें नहीं मालूम, अब नहीं मालूम तो अब हम एक्स नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि जो वैल्यू हम पता करना वो थोड़ी डिफरेंट होना चाहिए। मान लो अल्फा, कुछ भी मूलधन बोले, दर कितनी है एक्स, देखो समय कितना है एक्स, बर्थडे हाँ या ना, अब हमें वैल्यू क्या की चाहिए, तो हम कहेंगे अल्फा एक्स इंटू हंड्रेड अपॉन एक्स इंटू एक्स, हाँ या ना, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गए क्योंकि गुणा में संख्या कहीं से भी, अरे क्लियर है, कितना आ गया तो हमारा धन क्या होगा, अरे क्लियर है, नहीं बनेगा। अगला सवाल, किसी धनराशि पर नहीं मालूम, नहीं मालूम इतने प्रतिशत इतने वर्षों का ब्याज, अब कोई और होता डर जाता, अरे सर अपने, अरे अपन को क्या करना, अपन को बड्डे वाली संख्या मानती है, पहले खिंच के बैठो बेटा और आपके चेहरे पर एकदम बिल्कुल ओझ नजर आना चाहिए, समझ में आ रही बात, देखे आपने कहा ब्याज कितना, ब्याज कितना, हम सुनाई नहीं दिया, ओके ब्याज की जगह 210 बराबर, वह धनराशि नहीं मालूम एक्स गुणे दर, चार पिया 12 और 3 15 बटे, अरे क्लियर है, और इसके बटे 100 आएगा, सो देखो 15 बटे 4 पूरे के बटे 100, डबल बटे कहां है ऊपर, तो यहां हो जाएगा फाइनली 4, मूलधन गुणे दर 3 × 6 = 7/3, सवाल हल हो गया है। हमें वैल्यू क्या की चाहिए, चाहिए है 400 कहां जाएगा, 3 कहां जाएगा, 15 कहां आएगा, 7 कहां आएगा, नहीं आएगा, पक्का देखें पूरा करके बता दे रहे, 210 गुणे 400 गुणे 3 बड्डे 15 गुणे काय की वैल्यू आ रही, बोलो यार, अरे क्लियर है, अब काय से काटे, 7 से, 7 एकम 7, 7 किया 21, पक्का 15 एकम 15 दूनी, अरे क्लियर है, 4 दूनी 8, 8 दिया, अरे क्लियर है, कितना आ गया, ईमानदारी से बताइए क्या साधारण ब्याज के सवाल कठिन है, बस स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे, कहीं आपको कठिन नहीं लगेंगे, बस होमवर्क आपको करना है, ओके आगे देखते हैं क्या लिखा, इतने का साधारण ब्याज 5 वर्ष में मिश्र धन रुपए इतना हो जाता है, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ये मूलधन है, ये क्या है, मिश्रधन है, क्या निकल आएगा, नहीं निकल आएगा, अरे बोलो निकलेगा कि नहीं, जब हम आपसे बात कर रहे हो तो बात किया करो, सवाल करने थे तो सवाल किया करो, अब ये बताइए ब्याज निकल आएगा, घटा दोगे, जब ब्याज निकल आएगा तो क्या करोगे, ब्याज की जगह ब्याज लिखोगे, मूलधन हमें दिया है, दर हमें नहीं दी है, क्या मानोगे, बोलो गुणे समय, साधारण ब्याज की किस दर से, 8 वर्ष की अवधि है, 4200 रुपया 6216 हो जाएंगे, नहीं बनेगा, तुमने लिए कितने हैं, लिए कितने हैं, आप जितना बढ़िया अपने माइंड को पेन करोगे, हर बार पेन मत चलाओ, सुन रहे हो, लिए कितने हैं, पक्का हो, कितने गए, क्या पक्का, 4200 लिए 6216 हो गए, ब्याज कितना, 2016, दर कितनी मालूम नहीं है, दर हमें मालूम, क्या मानोगे, पक्का, समय कितना है, चलो
ओके देखे सब लोग प्लीज क्या लिखा मूलधन और उस पर एक वर्ष के ब्याज के बाद मिश्र धन का अनुपात क्या ओके तो दर कितनी है देखना रुको हम तो भैया कोई ट्रिक नहीं कोई पढ़े लिखे नहीं ज्यादा हम तो सवाल पर आधारित हैं आपने कहा मूलधन और मिश्र धन का अनुपात मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 10:12 हमने अनुपात पढ़ा है ऊपर की वैल्यू ऊपर से नीचे की वैल्यू नीचे से यानी हमारा मूलधन क्या हो गया और मिश्र धन यानी हमें ब्याज लग गया 2 रुपये नहीं लग गया अरे बोलो यार नहीं लग गया ब्याज की जगह 2 रुपया मूलधन की जगह 10 रुपये दर हमें मालूम नहीं है देखो जरा दर मालूम नहीं है गुणित समय एक वर्ष बड़े कितने 100 सवाल खत्म नहीं खत्म अब लोग कहते हैं सर अब परसों ये खतरनाक कोई लेसन खतरनाक नहीं अब और जो आप कहते हैं पाई चार्ट कई बच्चों ने हमसे बोला पाई चार्ट हम तो कह रहे ये सबसे सरल अध्याय है बस बाकी अध्याय बने अनुपात बने परसेंटेज बने आपको एक रिंग बना के दे दिया अब बताइए कितने परसेंट है कितना अनुपात है औसत क्या है आपसे अगर सब बन रहा है तो आप चित्र देख के बना देंगे अब कोई कहेगा सर परीक्षा आ गई पाई चार्ट पढ़ा दो हाँ परसेंट नहीं बनता अनुपात हमसे नहीं बनता लेकिन हमें कब पढ़ा दो संभव ही नहीं है सुन रहे हो तो क्या यह सवाल आपसे बनेगा नहीं बनेगा वह मूलधन पहले बेटा सवाल पढ़ना सीखो हम तुम्हें एक कला सिखाना चाहते हैं सुनो सबसे पहले एक बात सीखो गुणा भाग करने के लिए घर जाओ ईमानदारी से पूरे सवाल लगाया करो सुन रहे हो यहां जल्दबाजी नहीं यहां तो ये सीखो कि इस सवाल को तोड़ेंगे कैसे क्योंकि घर में तोड़ा नहीं गुणा करना भाग करना घर में कर लोगे आप नहीं कर लोगे कर लोगे यहां सवाल का तोड़ना सीखो आप क्या लिखा वह मूलधन क्या है हमें मालूम क्या मानोगे अरे क्लियर है दर कितनी थी 3 × 2 11/3 दी है समय कितना दिया ये 9 माह नहीं चलेगा क्यों क्या 9/3 नहीं करोगे 9 माह को कायम बदलोगे छोटे को कायम है बड़े भाई का इस्तेमाल भाग का इस्तेमाल करोगे 12 का भाग क्योंकि रिलेशन कितने का है रिलेशन कितने का है ओके तो हमने कहा 12 का भाग ब्याज कितना खत्म सवाल खत्म ब्याज की जगह अरे यार ब्याज की जगह मूलधन की जगह तो मालूम नहीं है दर की जगह क्या अरे क्लियर है और समय की जगह क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर विशेष दर माने मालूम विशेष दर माने मालूम क्लियर है हाँ 1000 2 वर्ष में 1200 हो जाते हैं बाकी सवाल बाद में लिए कितने पक्का हो कितने गए ब्याज कितना लग गया ब्याज की जगह क्या लिखोगे ब्याज की जगह 200 मूलधन की जगह 1000 समय की जगह 2 वर्ष 10% आया होगा नहीं आया
वैसे तुम्हें रखने की आवश्यकता नहीं थी, मूलधन जब तुम्हारा 1000 था, 2 साल में तुम्हें लगे 200, तो 1 साल में 100, 1000 पर 100, तो परसेंटेज आई 10, नहीं आ गई। अब तुम कह रहे हो कि पैसा हम बढ़ा दें 14% कर दें, कितने परसेंट कर दें? अरे क्लियर है, अब 10% से कितना करना है? करना है 14% करना है, तो अब 14% कर दें तो 1000 की धनराशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी? कितना? 1400, क्योंकि 420 रुपये ब्याज आ जाएगा, नहीं आ जाएगा पक्का। कितने लोग कहते हैं बनेगा? ओके, अगला सवाल, एक भी पेन ना चले, मात्र चर्चा, मात्र चर्चा होगी, क्लियर है? हाँ, क्या बोला? 2100 रुपये की राशि है, 2 वर्षों में साधारण ब्याज लग रहा है, ओ 2352 हो गए, हमें लग रहा 252 रुपये ब्याज लग गया। तो सबसे पहली बात, 1% घटा दी जाए वो मीटर अलग है, अरे घटाओगे तो तब जब पुरानी दर पता लगेगी, नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? तो पहले जितना मटेरियल दिया है ब्याज मिल गया 252, ब्याज कितना मिल गया? लिखो ब्याज की जगह 252 बराबर, मूलधन की जगह 2100 गुणित दर हमें पता नहीं है, आर करो 6%, कितने परसेंट? पक्का? हाँ या ना? अब तुम कहोगे कि हम 1% घटा दें, तो भैया आप 6% तो 5% कर दो, कितने परसेंट कर दो? तो कह रहे नया ब्याज क्या होगा, मूलधन वही है, ब्याज वही है, दर बस 5% होगी। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ओके, अब बस मात्र चर्चा, सवाल कोई नहीं, किसके वर्ड हो, होमवर्क करके लाओगे, जितना बढ़िया होमवर्क करके लाओगे उतना बढ़िया सवाल बनेंगे। यहां पर सवाल आपको पढ़ना है, घर में खूब होमवर्क करके लाइए, सिलेक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा बेटा। इतने रेगुलर सवाल कोई नहीं करता है, आप लगातार 2500-3300 सवाल करोगे, कहां जाएगा सिलेक्शन? सुन रहे हो? चलिए, कितने रुपया है, समय कितना है, साधारण ब्याज पर कितने हो गए? ये 920 हो गए, 920 हो गए, यानी सवाल ही खत्म हो गया, नहीं हो गया? आगे बढ़े, 3% बढ़ा दी जाए, अरे बढ़ाओगे तो तब जो पुरानी दर आएगी, तो पुराना ब्याज 120, पुराना मूल 800, सुन रहे हो? बोले दर हमें मालूम नहीं है, समय कितना बोलो, अरे क्लियर है? और कितना परसेंट? अब 5 की जगह कितना लगा दो? 8, हाँ या ना? 8% लगा दो, बस नहीं बनेगा। कितने मूलधन को 5% की दर से 3 महीनों के लिए जमा करने पर मिश्र धन, देखो भैया सब लोग कर चुके सवाल, हमें मिश्र धन पता है लेकिन मूलधन पता, मूलधन क्या मानोगे? नहीं मानोगे? अरे मूलधन क्या मानोगे? मानोगे? अब मूलधन x माना तो ब्याज की क्या लिखोगे? माइनस x बराबर मूलधन गुणे दर, दर कितनी? गुणे समय कितना? 3 नहीं चलेगा, 3/4 इन द सेंस 1/4, देखो 3/12 को 1/4, हाँ ना? और ये गुणित कितना है? 100, पक्का?
पक्का? अरे क्लियर है? चलो कितने हो गए? 5/400, 5x/400, ये 100 तरफ ले जाओ, प्लस के 100 हो गए, हाँ है ना? सुजे हो गए 405, नहीं हो गए? अरे लघुत्तम 400 आएगा ना, कुल मिला के हो गए 405x/400, हाँ है ना? ये 400 कहां जाएगा? 405 कहां आएगा? नहीं आएगा, ये 5 बार कट जाएगा, कितना आएगा? पक्का? अरे क्लियर है? इस टाइप में सवाल कितने हैं? कुल 50। चलिए आज तो होने वाले नहीं है, अब किसी साधन एक पैसा प्रति रुपए प्रति माह, सुन लीजिए, एक रुपए, बोले भाषा सुनो, सवाल सरल है, कह रहा है हम ब्याज लेंगे एक रुपया पर एक पैसा, लेकिन हर महीने, माने हम एक रुपया पर लेंगे 12 पैसा साल भर का, नहीं आ रही बात समझ में? अब एक रुपया माने 100 पैसा, अब 100 पैसा पे 12 पैसा, तो परसेंटेज कितनी आई? 12%, नहीं आई? अरे बोलो, तो दर हो गई 12%। बस आपको मूलधन पर लेना है उस साल भर के लिए लेना है, 3 माह के लिए। चलिए इसके आगे सवाल कल करेंगे, 27 सवाल तक आपके हो गए हैं, 28वां से सवाल कल होंगे, और सबके हाथ में हमें साधारण ब्याज का प्रिंट आउट चाहिए। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो कल सारे लोग होमवर्क करके लाएंगे, आज हमारा आधे से ज्यादा